बारिश हो रही है बहुत तेज और हमें निकलना पड़ेगा जल्दी 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 जल्दी, बहुत तेज बारिश हो रही है। ये जा रहे हैं अभी हम नुआकोट, एक और गाँव नुआकोट, बहुत टाइम बाद जा रहे हैं। दाजे फोटो ने वीडियो है कि तुम वीडियो देखे ऐसे नेट पर वीडियो हां दाजे वो डायलॉग बोलते हैं सब मान जान यार डायलॉग वो बच्चा आपका था अरे ना अरे नाती जब मैं तो अरे नाती अब मैं अंदर ब्लॉग हो रहा था वाला ठीक है डायलॉग हूं भगवान जान यूरा रिपो डायलॉग क्या बोलना बाबा यहां हम बैठ जाए हां यहां चल चल जगह हां यहां चल जगह और आए हैं से अरे नाना अरे नाना तू क्या शेर माय बात शर्मा अरे मन जाने नहीं अब मैं नहीं जान तेरे काय में लाल आ अगर दिन बोले अरे क्या था तुम बोल क्या था तुम बोल यार मन ना पुराण वाले बल में नानो नो क्या शेर आ यार आ तब लाइक मन जान तुम ना तन को याद में सार और बताए जा मन बजो और मैं को बताऊं मैं बुढ़िया बता ठीक है बाबा यहाँ पे फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है नुआकोट में। आपको कुछ दिखाते हैं, ये देखिए ये आपको दिखाते हैं, ये लाए है जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये लाए की खेती पहुँच रखी है यहाँ पे। बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है, आपको नुआकोट के पूरे पूरे दर्शन करेंगे। बारिश थोड़ी और तेज़ हो रही है, बट जैसे बारिश तेज़ हो रही है ना वैसे वैसे मौसम भी बहुत बढ़िया होता है। ये कुछ पुराने घर नुआकोट के देख सकते हैं, ये नुआकोट का स्कूल जिसमें अब इस सोच में एंट्री कहाँ से मिलेगी हम सोच रहे थे, देखते हैं कहाँ से मिलती है एंट्री। ये पूरा नुआकोट गांव तो दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। ये स्कूल है नुआकोट का, स्कूल कुछ अंदर से ऐसा दिखता है, अभी तो लॉकडाउन है स्कूल नहीं खुले हैं, बट ये ऐसा दिख रहा है स्कूल अंदर से। बाकी स्कूल के बगल में आपको ये खाली मैदान दिख रहा है जो मतलब कि डिफेंडर पर्पस से यूज़ किया जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही है, इसमें भी नुआकोट असल में ना बहुत बड़ा गांव है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको जितना दिखा सको उतना दिखाऊं, पूरा गांव दिखाना मुश्किल है क्योंकि
हमारे पास टाइम कम है, मैं भी कहीं और पर निकलना है, पर फिर भी जितना दिखा पाऊँ उतना आपको दिखा सकता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए कुछ पुराने मकान, यहाँ आपको पुराने नए मकान दोनों दिख जाएंगे। ये भी एक खोला है, फिर इसके इधर कोई दूसरे खोले हैं। ये एक मकान बढ़िया बना हुआ, नए डिजाइन का मकान बना हुआ। पुराने मकान कुछ ऐसे होते थे, और नए मकान कुछ ऐसे हैं आजकल कि जो नए डिजाइन के मकान हैं। देखिए नीचे भी अभी नॉकआउट नीचे और है, तो थोड़ा मुश्किल है कि पूरा गांव घूमना इन कुछ कुछ मिनटों में, तो इसलिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए। तो जितना मुझसे, देखो जितना मुझसे हो सकता है उतना तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, बट पूरा गांव दिखाना डिफ़िकल्ट है, ये बहुत बड़ा गांव है, फिसलन ज़्यादा है, तो पाँव ऐसे ना ऐसे स्किड कर रहे हैं बार बार, बट फिर भी कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ। ये देखिए थोड़ा हम नीचे और नीचे आ चुके हैं, आपको दिख रहा है गांव थोड़ा और नीचे की ओर, और इससे भी नीचे और है गांव, तो जो दिखाना भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, फिर भी मैं यहां ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गांव। मकान है ये थोड़ा, मतलब ये जो मकान आप देख रहे हैं ये थोड़ा मतलब पुराने डिजाइन में बने हुए हैं, लोगों ने मतलब जिसमें बने उस ऐसे वैसे बना रखे हैं। वो जो आप देख रहे हैं वो वाला मकान, वो भी थोड़ा थोड़ा पुराने डिजाइन में बना हुआ है। कुछ मकान जैसे कि ये इनकी जो पठालनुमा छत कहते हैं इसे, मतलब इसमें ना मतलब काफ़ी अच्छी होती है। अब तो लोगों ने सीमेंटेड बना दी है, बट पहले ऐसी ऐसी छतें होती थी ज़्यादातर, अब लोगों ने थोड़ा मतलब चेंज किया है अपने घर का तो डिज़ाइन है। तो इतना आपको दिखा सका, इतना दिखा दिया है मैंने आपको, बाकी और नीचे नागौर से पहचाने लगा आपको? मैं पहचाने ली यख ना है इधर आ रखे उन्होंने। हाँ उनके हाँ ब्लॉग बना रहे, आएगा आएगा चैनल पे आएगा इस बारिश में ब्लॉग बना रहे। बारिश तभी वही तो मजा है। आप यहीं रहते? अरे आराम से आप यहीं रहते भाई? घूम ही रहे वैसे अभी कुछ नहीं है, अभी जॉब है नहीं, जॉब नहीं है, पढ़ाई। कुवैत में जॉब करता हूँ। जो कुवैत में जॉब करते हो आप? होटल लॉकडाउन के दौरान आए मैं। लॉकडाउन के दौरान आप आए हो, तो गाँव में मजा आ रहा है? गाँव में तो मजे ही है। गाँव में सबसे मजे गाँव में जो ये इस बारिश इतनी तेज बारिश हो रही है उसमें भी मजा आ रहा है। सही बात है, गाँव में हर टाइम मजे हैं, गाँव बढ़िया है। प्रमुख बुढ़ा जी के यहाँ आ रखे? हाँ यहाँ समझ गया मैं, उस टाइम चंडीपाड़ में भी आ रखे थे तुम है ना। हमारे यहाँ तो बहुत तेज है, बहुत तेज है मेमोरी अच्छी है। भाई आप भाई मैं यहीं आप यहीं हो पढ़ाई करते हुए? हाँ मेरे यहाँ कॉलेज चल रहा है। कॉलेज चल रहा है कहाँ से? यहाँ चंबा से। चंबा से चल रहा है? हाँ। चंबा से क्या मतलब क्या? अभी SRT में, अभी वो BSc चल रहा है मेरा। अच्छा BSc चल रहा है। हाँ। अभी कौन से ईयर है? थर्ड ईयर? अभी तो थर्ड सेम है मेरा। थर्ड सेम से सेकंड ईयर? सेकंड ईयर चल रहा तुम्हारा? ठीक है बढ़िया है बढ़िया। अभी आप घर? अभी तो घर ही। घर नीचे? हाँ नीचे। खास पट्टी का सबसे बड़ा एरिया है। हाँ खास पट्टी सबसे बड़ा एरिया है। नवाकोट ना ऊपर डांडा तक है। ऊपर है डांडा, डांडा तक वो जो मेन रोड है ना उसके ऊपर। हाँ तो मैं तो अभी उनके घर से उनके घर से कवर कर रहा हूँ। तुम्हारा वो मेमोरी फुल हो जाएगी। बारिश हो रही है बहुत तेज और हमें निकलना पड़ेगा जल्दी 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 जल्दी, बहुत तेज बारिश हो रही है बहुत तेज। ओह कैमरा नहीं भूल गया, इस चक्कर में निकलना पड़ेगा फटाफट। चल
पीछे दस दिन में कुछ इतना पता चल रहा था। सांस फोन लग गई भाई, सांस फूलने लग गई। दस गुड टाइम जैसे कि आपने सुना ये गांव और नीचे है, मतलब टिपरी भी आ जाता है फिर उसके नीचे और नीचे। तो हमने यही ब्लॉग आज यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। माफ़ी चाहते हैं आपको पूरा नौकोट नहीं दिखा पाए, जितना हमसे हो सका था हमने उतना आपको दिखाया। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।